अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ पहाड़ों में। तो आप देख सकते हैं मैं कैसी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। अभी पूरा फिसलन रास्ता है ऊपर तक। मैं इस छोटे से झरने के साथ ही साथ चढ़ूँगा ऊपर, क्योंकि बाकी साइडों से रास्ता नहीं है। तो मैं इसी फिसलन रास्ते से होते हुए ऊपर चढ़ाई चढ़ूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं दोनों जानिब बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ये छोटा सा वाटरफॉल आप देख सकते हैं मेरे सामने। मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं इस पहाड़ी को क्यों चढ़ रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। तो गाइस, मुझे आज 3-4 दिन हो गए। छोटे बिछड़े, जो गाय के बिछड़े होते हैं, वो 3-4 गुम हो गए थे। तो मैं वहीं देखने जा रहा हूँ ऊपर इस पहाड़ी पे आज। तो देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा साथ ही साथ। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू। अभी हम कितनी चढ़ाई चढ़ चुके हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमने उस नदी से चढ़ाई चढ़ना शुरू किया था, तो फिलहाल हम यहाँ पहुँचे। तो काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद हमने आखिर अपने बिछड़े देख ही लिया। वहाँ आप देख सकते हो ऊपर एक वाइट वाला और एक ब्लैक। तो अभी हम वहीं जाएंगे। तो ये रहे हमारे वो बिछड़े, बिछड़े बिछड़ गए थे ऐसा ही मानो। तो ये है याक का बच्चा, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये देखो, यही है याक का बच्चा। अभी हमें इन्हें आसान रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरा है और खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ी पहाड़ी में गिर भी सकते हैं। तो अभी मैं इनको अच्छा सा रास्ता देखूंगा, उसके बाद इनको क्रॉस करवाऊंगा। हम इन्हें 1-2 महीना यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ बालों का बहुत ही आतंक है, तो इसलिए हमें इनको घर ले जाना पड़ा। आखिरकार हमें इन्हें रास्ता मिल गया, तो हम इन्हें ये वाला रास्ता क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। इनके लिए जो आसानी होगी वही रास्ता चुन लेंगे। किसी ऊंची चोटी पर मौजूद भूखे परिंदे का ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। अगर हमें रोटी का एक लुकमा भी नसीब हो जाए, तो हमें उसे भी आपस में दूसरे से बांटना चाहिए। अभी हम इनको वो बड़ी वाली पेड़ के पास उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ से ले जाना होगा। अभी हम इनको आस्ता आस्ता होशियारी से उतारेंगे, उसके बाद
वहाँ वो नीचे वाली जो पेड़ है उसके नीचे से होते हुए ले जाएंगे वहाँ नदी तक। तो बस इतना ही शॉर्ट ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था, दिखाना था कि तुलेल वैली के पहाड़ कितने खड़े और कितने ख़तरनाक होते हैं। हम हर महीने में ऐसे 3-4 एडवेंचर करते रहते हैं, फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।